पार हुए कातिल बन गए। धीरे धीरे हमारा ये पूंछ कॉलम का मार्च पास्ट पुनः अपनी आरंभिक स्थल पर जाते हुए और अपनी प्रारंभिक तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल में और जो है बस तैयारी चल रही है प्रोग्राम को स्टार्ट कराने की। सबसे पहले जो है फ्लैग होस्टिंग होनी है और बाकी के प्रोग्राम जो है बाद में होने हैं। तो देखिए सब टीचर्स लोग आ चुके हैं। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। अच्छा हेलो, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। आज हमारे स्कूल में बहुत सारे परफॉर्मेंस हो रहे हैं। ये मैम आइए, ये देखो मेरे YouTube वीडियो। अच्छा कुछ बोल दीजिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गीता मैम आइए, हेलो बहू बात बनना। नहीं मैंने सिंगल मैम। अच्छा हेलो, मैं गीता रावत। आगे क्या बोलना है? मेरा वीडियो देखती है? हाँ आपका वीडियो तो मैं रोज देखती हूँ और रोज लाइक भी करती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब करिए। हमको देखने का है, हमको देखने का है। देखती है मेरा वीडियो? हाँ देखते हैं, सब देखते हैं, रोज देखते हैं हम हर वीडियो। आइए प्राची मैम। तो देखिए यहाँ पे जो है हम सारे टीचर्स पहले ही आ चुके हैं और जो है टीचर्स की चल रही है मस्ती और लगे हैं सब फोटो सेशन में, क्योंकि बाद में टाइम मिला ना मिला कोई पता नहीं है, क्योंकि बाद में तो जो इतना थक जाएंगे बस घर जाने की पड़ेगी। तो बस देखिए सबका चल रहा है फ़ोटो ड्रामा। और यहाँ पे जो है हम लोग आ गए हैं ऊपर ग्रीन रूम में, सारी गर्ल्स जो रेडी हो चुकी हैं परफॉर्मेंस के लिए। बंद ना।
तो देखिए यहाँ पे ग्रीन रूम में सब गर्ल्स हो चुकी हैं रेडी अपनी अपने प्रोग्राम के लिए। तो देखिए बस प्रोग्राम बस कुछ ही समय में बस स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग भी आगे इन्जॉय करिएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्राई करके देख रही हैं कंफर्टेबल है कि नहीं है। और ये है हमारे स्कूल की सरस्वती जी, तो बस आगे देखिए आगे के प्रोग्राम। तो यहाँ पे बस बहुत जल्दी ही प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, बस कुछ ही सेकंड्स का टाइम है गर्ल्स। तो बस यहाँ पे जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं और ये सबसे पहले सरस्वती वंदना और जो है इसके बाद जो है होगा बिहू डांस आई थिंक, और जो है इसी तरह सारे प्रोग्राम जो है चलने लगेंगे। और आप लोग भी इन्जॉय करिए और देख लीजिए मेरे स्कूल को। तो देखिए इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव में सारी गर्ल्स ने जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है और वाकई में अपनी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और इस बिहू डांस को जो है मैंने आपको पूरा दिखाया क्योंकि ये डांस मुझे जो है सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये देखिए। और इसकी परफॉर्मेंस जो है मुझे सबसे बेस्ट लगी और वाकई में ये डांस जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने जो है आप लोगों को भी ये डांस जो है पूरा दिखाया है। तो देखिए आप लोग भी इंजॉय करते रहिए बिहू डांस को, और देखिए हमारी गर्ल्स भी कितनी अच्छी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है बिहू डांस कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और जो है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए मुझे तो वाकई में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो एकदम से बस देखते ही रही, और मैंने जो है ज़रूरी समझा कि आप लोगों को जो है पूरा दिखाया जाए, तो इसलिए मैंने ये बिहू डांस जो है पूरा दिखाया है आपका। तो आप भी इंजॉय कर लीजिए बिहू डांस को। तो देखिए ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है और गर्ल्स ने इसमें भी जो है काफ़ी मेहनत की है और जो है अच्छे से जो है परफॉर्म किया है। तो मुझे तो सारे प्रोग्राम जो है बहुत ही बेस्ट लगे, सारी गर्ल्स ने जो है बहुत मेहनत की है, बहुत कम समय में बहुत अच्छी सी तैयारी की है उन्होंने और जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चों ने जो है काफ़ी मेहनत की है, छोटे से लेकर बड़े तक और टीचर्स से लेकर पूरे स्टाफ ने जो है बहुत ही मेहनत की है और जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में काफ़ी अपना योगदान दिया है और जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने जो है पिरामिड बनाया है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस और ये ब्लू हाउस ने मिलके जो है काफ़ी मेहनत की और काफ़ी अच्छे से बहुत बेस्ट बेस्ट पिरामिड जो है उन्होंने बनाए थे। तो आप लोग भी देखिए और आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए मेरा वीडियो और जो है देख लीजिए लखनऊ का स्कूल किस तरह से जो है सेलिब्रेट करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव को। तो देखिए बच्चों ने यहाँ पे जो है काफ़ी मेहनत की है, वाकई में काबिल तारीफ है। और हमें जो है हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए और हमें जो है बढ़ चढ़कर ऐसे प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। और देखिए
हम लोगों ने जो है मना लिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, और आप लोगों ने किस तरह से मनाया है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इन्जॉय करिएगा मेरा वीडियो, और कहीं कुछ गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के बाद आप जो वीडियो देखेंगे वो है जानवी के स्कूल का, और जो है उसने NCC की परेड में पार्टिसिपेट किया है, तो देखिए और आप इन्जॉय करिए। Any guess who is going to come first? इस बार बाजी मारी है हमारे युवाओं ने, सीनियर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। मास्टर अनिकेत त्रिपाठी विनर्स ट्रॉफी। थैंक यू वेरी मच सर। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से लगा लेना ए मादरे वतन, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। परेड कमांडर पुनः मंच की तरफ परेड विसर्जन की अनुमति लेने के लिए आते हुए